गया गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत मैं आज भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर लेकर आया हूं, है ना। सबसे पहले आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है और मेरा नाम अभिलाष कुमार हुआ। मैं प्लस टू बालिका उच्च विद्यालय टिकारी का विज्ञान शिक्षक हूं और मैं आज भौतिक विज्ञान के दूसरे पाठ को लेकर आया हूँ आप लोग के सभी के सामने, ठीक है। और इस पाठ का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया, ठीक है। अब पिछले 10 साल में इस पाठ से जो जो प्रश्न आए हैं उसके अंतर्गत मैंने कुछ मुख्य बिंदु बनाए हैं जो आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं उसमें। तो सबसे पहला मुख्य बिंदु मेरा है मानव नेत्र एवं उसकी संरचना, साथ साथ उसकी क्रियाविधि। दूसरा है दृष्टि दोष, उसके निवारण। तीसरा, कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और अंत में जो मुख्य बिंदु मैंने बनाया है टिंडल प्रभाव। अब आते हैं बच्चों, मैं अपने सबसे मुख्य प्रश्न पर आ रहा हूँ जो भौतिक विज्ञान में यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पूछा जा सकता है और इस प्रश्न का नाम है मानव नेत्र की संरचना एवं उसकी क्रियाविधि। अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, क्या देख रहे हैं आप? मानव नेत्र का संरचना, एक फिगर दिख रहा है जिसमें आपको मानव नेत्र की संरचना दिख रही है। बच्चों, मानव के पास दो नेत्र होते हैं। अगर नेत्र की का परिचय दें तो नेत्र क्या है? नेत्र वह अंग है जिसके द्वारा हम देखते हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और नेत्र वह ज्ञान इंद्रिय है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं दृश्य के माध्यम से, ठीक है। हमारे पास दो नेत्र हैं। एक नेत्र का जो दृष्टि जो एंगल होता है वो 150 डिग्री होता है और दो नेत्रों के द्वारा हम 180 डिग्री तक देख सकते हैं। अब आते हैं मानव नेत्र की संरचना। अब देख रहे हैं, जैसा कि मैं अभी आँख के मॉडल को भी आपके सामने लेकर आया हूँ, मानव नेत्र लगभग गोलाकार स्ट्रक्चर होता है। सभी को दिख रहा है, लगभग गोलाकार स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक सफ़ेद गोला होता है जिसका नाम होता है श्वेत पटल। ये देखिएगा, श्वेत पटल ये पूरा दिख रहा है, श्वेत पटल है। और इसके सबसे आगे आपको एक उभरा हुआ पार्ट नज़र आ रहा है। इस उभरे हुए पार्ट को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया एक पारदर्शी ऊतक होता है और जिसके द्वारा प्रकाश अपवर्तन के द्वारा हमारे आँख में प्रवेश करता है। अब आते हैं आगे की बात में बढ़ा रहा हूँ। कॉर्निया के जस्ट पीछे हमारा आयरिस होता है जो अपारदर्शी ऊतक का बना होता है, जैसा कि आप इसमें देख भी सकते हैं, गोलाकार डिस्कनुमा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग आयरिस कहते हैं। आयरिस के मध्य में एक छोटा छेद होता है जिसको हम लोग हिंदी में पुतली और इंग्लिश में प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल वह छेद है जिसके द्वारा प्रकाश हमारे आँख में अंदर जाता है। प्यूपिल के जस्ट पीछे हमारा आई लेंस होता है जो उत्तल लेंस होता है। आपने प्रथम पार्ट में दो तरह का लेंस पढ़ा है, अवतल और उत्तल। तो यहाँ पर जो है वो उत्तल लेंस होता है। प्रश्न यहाँ है कि उत्तल लेंस का क्या उपयोग है हमारे आँख में? ये वास्तविक प्रतिबिंब, जो भी वस्तु हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमारे आँख में इसी उत्तल लेंस के द्वारा बनता है। समझ रहे हैं बच्चों? अब उत्तल लेंस जो सही जगह पर किस तरह से स्थित होता है, तो उत्तल लेंस को सही जगह पर स्थित रखने का मेन काम है यहाँ पर पश्चमाभि पेशियाँ, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सिलरी मसल्स। ये सिलरी मसल्स आई लेंस को सही जगह पर स्थिर रखते हैं, ठीक है। अब आइए बच्चों, इन सभी के अलावा जो आँख के गोलक का जो पीछे वाला पार्ट है वो रेटिना, यहाँ पर दृष्टिपटल कहते हैं या दृष्टिपटल के द्वारा बनता है। यही वो स्क्रीन है जहाँ पर हम जो वस्तु देखते हैं उसका प्रतिबिंब बनता है। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब आइए, अब इन सभी अंगों के अलावा हमारे आँख के गोले में दो द्रव भरे होते हैं। पहला द्रव है जलीय द्रव और दूसरा द्रव है कछाव द्रव। जलीय द्रव जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं वो आई लेंस और कॉर्निया के बीच में भरा होता है, ठीक है। इस फिगर में आप जहाँ पर एक देख रहे हैं वो किसका पोजीशन है? जलीय द्रव का। दूसरा द्रव जो है वो आई लेंस और रेटिना के बीच जुड़ा हुआ होता है, उसके अंदर भरा हुआ होता है, इसका नाम क्या होता है? विट्रस ह्यूमर।
है ना, कछाव द्रव, ये दोनों द्रव जो भी प्रकाश जिस वस्तु से आएगा, जिसको हम देख रहे हैं, उसके अपवर्तन में मदद करता है, साथ साथ इस पूरे आँख के स्ट्रक्चर को, संरचना को पूरी तरह से बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, अब आते हैं मानव नेत्र का क्रियाविधि। जब दूर स्थित वस्तु से प्रकाश हमारे आँख के प्यूपिल से इंटर करता है, ये देखिए इस प्यूपिल से इंटर करेगा, प्रवेश करता है, इसका अपवर्तन आई लेंस और कछाव द्रव से इस तरह से होता है कि वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब हमारे रेटिना, जिसको दृष्टि पटल कहते हैं, वहाँ बनता है। अब इस प्रतिबिंब को दृक् तंत्रिकाएं रिसीव करती हैं, वो हमारे दिमाग तक लेकर जाती हैं और इन सभी का हमारे दिमाग में ही एनालिसिस होता है और हम उस वस्तु को समझ पाते हैं कि आखिर हम कौन से वस्तु को देख पा रहे हैं। मानव नेत्र बहुत उपयोगी अंग है बच्चों, और इसको हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से इसको रखना चाहिए, काफ़ी सावधानी से रखना चाहिए। कभी हमें कम प्रकाश में नहीं पड़ना चाहिए, कभी भी कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए उचित प्रकाश होना चाहिए। आँखों को कभी भी आँख में कुछ गिर गया तो उसे मलने की आवश्यकता नहीं है, उसे आप ठंडे जल से धो लीजिए। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है, इसके पहले हम एक शब्द बताना चाह रहे हैं, दृष्टि परास। मानव नेत्र में देखने की क्षमता जो है वो न्यूनतम बिंदु है 25 सेंटीमीटर और दीर्घतम दूरी, दूर बिंदु जो है अनंत, हम अनंत तक देख सकते हैं। रात में आप लोग तारे देखते हैं ना, तारों की दूरी क्या है? हमारे लिए अनंत है, हम उनको देख सकते हैं। इसका मतलब हमारी आँखों में देखने की क्षमता कहाँ तक है? अनंत तक है ना, और ये हमारा दृष्टि परास होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मनुष्यों में जो 25 सेंटीमीटर जो न्यूनतम दूरी है वहाँ तक वो नहीं देख सकते, या अनंत तक वो नहीं देख सकते, दूर तक नहीं देख सकते। कभी कभी आप अपने वर्ग में भी देख सकते हैं कि कुछ बच्चे चश्मा पहन कर आते हैं, उनसे पूछोगे तो कहेंगे कि हाँ कॉपी में लिखा हुआ तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सर जो बोर्ड पर लिख रहे हैं उसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। मतलब क्या उनकी दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, है ना। कभी कभी आप अपने घर में देखिएगा कि आपके अभिभावक जो हैं कि पेपर ऊपर पढ़ते समय वो चश्मा लगाते हैं। क्यों चश्मा लगाते हैं? अब पेपर पढ़ते समय वो तो वस्तु निकट में है, ये भी नहीं दिख रहा है ना। इसका मतलब ये है कि अगर किसी मनुष्य में दृष्टि परास के अंतर्गत देखने की क्षमता कम हो जाती है, तब हम कहते हैं कि वो मनुष्य दृष्टि दोष से ग्रसित हो गया है। हमारे अंदर कम से कम मुख्यतः तीन दृष्टि दोष होते हैं, उसमें सबसे पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा जो मेन दृष्टि दोष है वह है जरा दृष्टि दोष, है ना। अब एक एक करके मैं हर एक दृष्टि दोष के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अब आते हैं, सबसे पहले मैं अपने पहले बिंदु पर आ रहा हूँ, उसका डायग्राम अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा, वह है निकट दृष्टि दोष। इंग्लिश में इसको मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मायोपिया, है ना बच्चों। एक ट्रिक आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि कभी कभी हम लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होता है कि पास की चीज़ दिखेगी कि दूर की चीज़ दिखेगी। इसके लिए आप उसके नाम पर जाइए, निकट दृष्टि दोष, निकट वाला दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा, दूर दृष्टि दोष दूर का दिखेगा निकट का नहीं दिखेगा। इस ट्रिक के द्वारा आप पता भी लगा सकते हैं, कभी भी गलती नहीं होगा। तो हम अभी अब बता रहे हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का क्या, कैसे इसको कैसे पहचानेंगे? इस दृष्टि दोष में हमको पास की चीज़ें साफ दिखेंगी लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखती, है ना। कारण क्या होगा? इसका पहला कारण है हमारे आई लेंस के आवर्धन क्षमता का बढ़ जाना। आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी घट जाएगी और जो इमेज जो है, जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना के पहले बनता है, हमें वस्तु साफ नहीं दिखती है, है ना। अब इस दृष्टि दोष का निवारण एक और कारण है निकट दृष्टि दोष का एक और मुख्य कारण है हमारे नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। जब नेत्र गोलक बड़ा हो जाएगा तो रेटिना पीछे चला जाएगा, है ना, और जिस कारण से रेटिना के पहले ही जो किरणें आती हैं वो मिल जाती हैं और वो रेटिना पर प्रतिबिंब न बनने के कारण हमें वस्तु धुंधला नजर आता है।
इसका निवारण कैसे करेंगे। इस इमेज में नीचे की ओर आप देखेंगे तो उसका करेक्शन भी दिया हुआ है कि हम उस व्यक्ति को चश्मा पहनाएंगे और उस चश्मे में स्पेक्टिकल पहनाएंगे, उस चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ रहेगा, कनकेव लेंस, इसको हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के चश्मे के द्वारा किया जा सकता है। अब हम आ रहे हैं दूसरा दोष जो है दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष फिर वही तीन हेडिंग जरूर रहेगा। पहला उसका कारण है, कैसे पहचानेंगे, क्या उसका सिम्टम होता है, दूसरा उसका कारण और तीसरा उसका निवारण। तो दूर दृष्टि दोष का मेन जो है इसमें क्या होगा, दूर की चीज़ें तो हमें दिखेंगी लेकिन पास की चीज़ें हमें नहीं दिखती है ना। इसका कारण क्या है? इसमें जस्ट उल्टा कारण है। निकट दृष्टि दोष में आवर्धन क्षमता बढ़ गई थी, हाँ, जो लेंस की क्षमता बढ़ गई थी, यहाँ लेंस की क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। लेंस की क्षमता क्या हो गई? घट गई, जिस कारण से जो दूर की चीज़ें हैं उनसे जो रेखाएं आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, वो रेटिना के पीछे जाकर मिलती हैं और हमें वस्तु धुंधला नजर आता है, ठीक है। इसका दूसरा कारण भी है नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाना। नेत्र गोलक कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब इसका निवारण कैसे करेंगे? नीचे के डायग्राम में आप देखिएगा कि इसका निवारण एक लेंस के द्वारा कर रहे हैं। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हम लोग का दीर्घ दृष्टि दोष। अब एक तीसरा दृष्टि दोष है जिसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, वो कम हो जाता है और सिलिक मसल्स का भी लचीलापन कम हो जाता है, जिस कारण से हमारे आई लेंस का जो फोकस करना, दूर की चीज़ों, पास की चीज़ों को फोकस करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे हमें ना पास की चीज़ें साफ दिखती हैं और ना ही दूर की चीज़ें साफ दिखती हैं। इसका निवारण कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग बाईफोकल लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं? बाईफोकल लेंस। आप लोगों ने अपने अभिभावक के चश्मे को देखा होगा, वो 20 से दो भागों में बटा होता है, जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं। इस टाइप का उनके चश्मे में शीशा लगा हुआ होगा और ये दो भाग में बटा हुआ होगा, ठीक है। जो नीचे शीशा है, जो नीचे लेंस है, वो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। और ऊपर का जो लेंस होता है वो अवतल लेंस होता है। ये उत्तल लेंस निकट के वस्तुओं को देखने के लिए, जब वो किताबें पढ़ रहे होते हैं तब उनको ये मदद होगा, और ऊपर का जो लेंस है अवतल लेंस, जो दूर की चीज़ें देखने के लिए होता है। इस तरह के लेंस को हम लोग क्या कहेंगे? बाईफोकल लेंस। समझ में आ रहा है बच्चों? तो जरा दृष्टि दोष का निवारण हम लोग बाईफोकल लेंस से करते हैं, ठीक। तो इस तरह से दृष्टि दोष समाप्त हुआ। यहाँ तक हमने अभी दो प्रश्न आप लोग को पूरा कर दिया है। अब आ रहे हैं हम तीसरे प्रश्न पर, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब कभी ऐसा होता है कि सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? श्वेत। जब श्वेत सूर्य का प्रकाश किसी ग्लास प्रिज्म से गुजारते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया बच्चों, प्रिज्म। यहाँ पर आप दिख रहा है प्रिज्म, ऊपर देख लेंगे, ऊपर के स्क्रीन में ही देखा है, आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये ग्लास प्रिज्म आपको दिख रहा है। ग्लास प्रिज्म कैसा होता है? हम लोगों ने अपने स्कूल के प्रयोगशाला में देखा भी है कि ग्लास प्रिज्म कैसा होता है। मैं आपके लिए जानकारी के लिए लेकर भी आया हूँ। ये देखिए, ये है ग्लास प्रिज्म। क्या है ये? ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है। क्या है? पारदर्शी माध्यम, जो तीन आयताकार, देख रहे हैं, एक आयताकार, ये दो और एक नीचे वाला, तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार सतहों से घिरा हुआ होता है, ठीक है। तो ग्लास प्रिज्म की परिभाषा क्या हो जाएगी? वैसा पारदर्शी माध्यम जो तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार सतहों से घिरा होता है, उसे हम क्या कहेंगे? ग्लास प्रिज्म। ऐसा देखा गया है कि ग्लास प्रिज्म से जब सूर्य की किरणें, सफ़ेद किरणें जब पास की जाती हैं, तो ग्लास प्रिज्म से अपवर्तन के बाद वो अपने सात रंगों में बट जाती हैं। श्वेत प्रकाश का सात रंगों में बट जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है।
क्या कहलाएगा? वर्ण विक्षेपण, है ना। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि वर्ण विक्षेपण के बाद हमें सात रंगों की पट्टी नजर आ रही है, जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं। और इस सात रंग की पट्टी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम, है ना। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम वर्ण विक्षेपण के द्वारा हमें प्राप्त होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें सात कलर में सबसे ऊपर जो है वो कौन सा कलर है? रेड, है ना। और सबसे नीचे जो है वायलेट है। प्रश्न है कि आखिर वर्ण विक्षेपण का क्या कारण है? सूर्य के प्रकाश में जो सातों रंग हैं वो बट कैसे गए? आखिर प्रिज्म से बटा क्यों? अब मैं आ रहा हूं वर्ण विक्षेपण के कारण पर। हम सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में जो सात रंग हैं उन सातों रंग का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है, है ना। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा और वायलेट कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे कम। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा वो सबसे कम विचलित होगा, और जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है वो सबसे ज्यादा विचलन दिखाता है। और यही अलग अलग विचलन कोण के कारण जो सातों रंग हैं वो अलग अलग हमें दिख जाते हैं, है ना। और इस प्रक्रिया के बाद हमें जो स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है वो हम उसको रट भी सकते हैं, विबग्वायर, VIBGYOR। इस क्रम से आप उसको याद भी रख सकते हैं। सब रंगों का पहला लेटर आप उसको याद रखिए और आसानी से आप उसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। एक चीज इसी से जुड़ा हुआ एक चीज और हम बता रहे हैं बच्चों, जब कभी जो स्पेक्ट्रम है उसको हम उल्टे प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो वो सातों रंग जो हैं आपस से मिलकर फिर से श्वेत प्रकाश हमें देते हैं, है ना। आपने अपने प्रयोगशाला में, स्कूल के प्रयोगशाला में न्यूटन डिस्क देखा होगा, सात रंग बनते उसको तेजी से घुमाते हैं तो श्वेत बन जाता है ना। तो ये प्रक्रिया हो सकती है, मतलब सातों रंग को जोड़कर हम लोग फिर से उसको श्वेत प्रकाश में बदल सकते हैं। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन बच्चों अब इसको समझिएगा, ध्यान से समझना है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? आप तो अपवर्तन समझते हैं क्योंकि आपको पहले पाठ में पढ़ाया जा चुका है कि जब कभी कोई प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरता है तो वो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है। इसी विचलन को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर शर्त यही है कि दोनों पारदर्शी माध्यम का घनत्व अलग अलग होना चाहिए, है ना। हमारी पृथ्वी भी चारों ओर से वायुमंडल से घिरी हुई है और वायुमंडल कई परतों में बटा होता है और हर एक परत का घनत्व अलग अलग होता है। जब कभी बाहर हमारे वायुमंडल के बाहर के स्रोत से प्रकाश हमारे वायुमंडल से पास होती है तो उसका भी क्या होगा? अपवर्तन होगा, है ना। और उस अपवर्तन को, क्योंकि अपवर्तन किससे हो रहा है? वायुमंडलीय परतों से हो रहा है, इसलिए इस अपवर्तन का नाम क्या होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। जैसा कि डिफिनेशन में आपको दिख रहा है, वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब उसके बाद आप लोग देखिएगा कि हम लोग प्रतिदिन कई सारे ऐसी घटनाएं देखते हैं जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, जिसमें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है तारों का टिमटिमाना। रात के समय आप देखे होंगे कि कई डॉट्स हमको आकाश में नजर आते हैं, कुछ डॉट जो हैं वो टिमटिमाते रहते हैं। एक्चुअली वो हैं क्या? तारे हैं। तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। दूसरा है अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त। ये दो घटनाएं हैं जो हम लोग देखते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इनसे जुड़ा हुआ संभावित प्रश्न भी आपको इसके नीचे दिखेगा, वायुमंडलीय अपवर्तन से होने वाली दो परिघटनाओं की व्याख्या करें, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं आप, क्योंकि हमने आपको वायुमंडलीय अपवर्तन बता दिया है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, वो प्रश्न है प्रकाश का प्रकीर्णन। ये हमारे पाठ का अंतिम प्रश्न है, प्रकाश का प्रकीर्णन। हम आप देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है और ये कैसे होता है। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन मतलब होता है छितरा जाना, बिखर जाना,
जब कभी ऐसा होता है कि जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरती है, प्रकाश जब किसी माध्यम से गुजरेगी तो प्रकाश उस माध्यम के कणों से टकराती है, है ना, और माध्यम के कणों से टकराकर वो चारों ओर जो है परावर्तित हो जाती है। प्रकाश के चारों दिशाओं में परावर्तित होने का ही घटना जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि धूल भरे रूम में खिड़की के छोटे से गैप से अगर जो लाइट आती है उसमें आपने धूल के कणों को इधर उधर जिग जैक मोशन करता हुआ देखा होगा, जिस कारण से प्रकाश का मार्ग हमें दिख जाता है, है ना। इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं बच्चों, टिंडल प्रभाव। अब इससे प्रकाश के जो प्रकीर्णन है उससे हम कई सारी चीज़ें देखते हैं। आपने देखा होगा आकाश का नीलापन होना, है ना, सूर्योदय के समय जो सूर्य है वो लाल नज़र आता है, सूर्यास्त के समय भी हमें लाल नज़र आता है ना। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा कि आखिर आकाश नीला क्यों नज़र आता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का जो आभा है वो हमें लाल क्यों नज़र आता है ना। ये सभी जो हैं प्रकाश के प्रकीर्णन से ही जुड़े हुए हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसी स्क्रीन में ऊपर की ओर हमारे पास कुछ लिखा हुआ है मेन पॉइंट, उसको हम लोग पहले देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखेंगे, यहीं पर लिखा हुआ है यदि माध्यम के कण बड़े बड़े होते हैं, यदि माध्यम के कण बड़े बड़े होंगे। प्रकीर्णन का तरीका समझा रहा हूँ बच्चों, अब उसके बाद में बताऊँगा कि कैसे प्रकाश नीला, कैसे जो है आकाश नीला नजर आता है। पहले आप इन दो बिंदुओं को समझिएगा, यदि माध्यम के कण बड़े बड़े होते हैं, अगर वायुमंडल के कण बड़े बड़े हैं जैसे धूल कण, तो प्रकाश अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकीर्णित होगा। और प्रकाश का वास्तविक स्वरूप क्या है, सफेद, वो सफेद रंग में प्रकीर्णित होता है। लेकिन यदि माध्यम के कण अत्यंत छोटे छोटे हों, जैसे क्या हो गया नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल, तो प्रकाश के वर्णक्रम प्रकीर्णित होते हैं। अभी मैंने जो 7 वर्णक्रम बताए ना आपको, प्रकाश के 7 रंग, वो वर्णक्रम प्रकीर्णित होंगे। अब इन सभी 7 रंग में जो नीले रंग का तरंग धैर्य जो है वो सबसे उचित है प्रकीर्णित होने के लिए, सबसे उचित, है ना। नीले रंग का तरंग है प्रकीर्णन के लिए सबसे अधिक उचित होता है, और जो प्रकीर्णित होने के लिए सबसे ज्यादा उचित है वो सबसे ज्यादा बिखरेगा। बिखरते तो सभी रंग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिखराव किसमें होता है, नीले रंग का। और ये नीले रंग का बिखराव बाकी रंग को जो है ओवरलैप कर लेता है, छुपा देता है, और हमें एक नीले रंग की आभा नजर आती है। और इसी नीले रंग की आभा के कारण जो आकाश का रंग है वो कैसा नजर आता है, नीला रंग नजर आता है, ठीक है। यही प्रक्रिया जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं, जब पृथ्वी को देखा जाता है तो हमको ब्लू रंग का नजर आता है। कारण क्या है कि जो अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष से देखने पर जो हम लोग सभी जानते हैं कि पृथ्वी में 2/3 भाग जो है किससे घिरा हुआ है, 5 जल से घिरा हुआ है, तो वहाँ पर भी जो प्रकीर्णन है वो किससे होता है, जल के अणुओं के द्वारा होता है, जिस कारण से हमें वो नीले रंग की आभा नजर आती है बच्चों, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद एक और है सूर्योदय, बहुत संभावित और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है, लाल रंग का सूर्य क्यों नजर आता है, जरा समझिएगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं सबका तरंग धैर्य अलग अलग होता है, है ना। अब क्योंकि लाल रंग का तरंग धैर्य, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग धैर्य है वो सबसे ज्यादा होगा, इसलिए इसमें बिखराव सबसे कम होगा, है ना। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे ये अगर पृथ्वी है, ये क्षितिज हो गया, सूर्योदय के समय जो सूर्य है वो क्षितिज के पास होता है, ठीक है, और ये हमारा दृष्ट प्रकाश दृष्ट हो गया। अब यहाँ से सूर्य के किरणों को हमारे आँखों के पास आने में काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है। इस दूरी तक जितने भी कम तरंग धैर्य वाले रंग होते हैं वो सभी हमारे आँखों से ओझल हो जाते हैं, सिर्फ वैसा तरंग धैर्य का रंग ही हमारे आँख तक पहुँच पाएगा जिसका तरंग धैर्य क्या होता है, ज़्यादा,
है ना, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है और इस कारण से लाल रंग हमारे आँखों पर पहुँच पाता है, जिस कारण से अब समझिए सूर्य से हमारे पास सिर्फ लाल रंग आ रहा है, बाकी रंग नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि सूर्योदय के समय जो सूर्य हमको कैसा नजर आएगा, रक्ताभ नजर आता है। रक्ताभ मतलब क्या, लाल रंग का हमें नजर आता है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य ऊपर आएगा बाकी रंग भी हमारे पास आने लगेंगे और धीरे धीरे सूर्य का जो अपीयरेंस है वो कैसा होने लगेगा, सफेद हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये दूसरे चैप्टर का अंतिम प्रश्न भी मैंने आप लोग को बता दिया। अब आते हैं कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न पर। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या क्या हैं उस पर देख लिया जाए। टिंडल प्रभाव क्या होता है मैंने आपको बता दिया। दूसरा है नेत्र की सामंजन क्षमता से क्या समझते हैं, नेत्र की सामंजन क्षमता। मानव नेत्र में ये क्षमता पाई जाती है कि वो निकट साथ साथ दूर की चीज़ों को भी आसानी से देख सकता है। और ये कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से, सिलरी मसल से। सिलरी मसल के क्रियाविधि के कारण जो आँख का लेंस है उसका फोकस दूरी घटता बढ़ता रहता है ना, और जिस फोकस दूरी के घटने बढ़ने के कारण हम पास वाली चीज़ें और दूर वाली चीज़ें दोनों को आसानी से देख सकते हैं। और नेत्र की इस क्षमता को ही क्या कहते हैं, समंजन क्षमता, है ना। तीसरा प्रश्न, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए किसी विद्यार्थी को श्यामपट या बोर्ड को देखने में कठिनाई हो रही है। हम लोग सभी जानते हैं वो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है और दूर बोर्ड पर लिखावट को नहीं पढ़ पा रहा है, इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है। क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताया कि निकट दृष्टि दोष, निकट का दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा, दूर दृष्टि दोष, दूर का दिखेगा निकट का नहीं दिखेगा। क्योंकि श्यामपट दूर है और उसको नहीं देख पा रहा है तो उसे कौन सी दोष हो गई, निकट दृष्टि दोष। इसका निवारण कैसे करेंगे, मैंने आप लोग को बताया अवतल लेंस के चश्मे के द्वारा करेंगे। उसके बाद तारे क्यों टिमटिमाते हैं उसकी व्याख्या मैंने आज क्लास में की है। और नेत्र के उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम लोग चले आते हैं, मानव नेत्र का नामांकित चित्र जैसा मैंने आप लोग को दिखाया उस तरह से आप उन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। दृष्टि दोष क्या होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आप लोग बताई हैं। कांच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है उसका भी सचित्र वर्णन मैंने आप लोग को दिखा दिया है। बच्चों ये तो हो गई पाठ से जुड़ी ही संभावनाएँ जो मैंने संभावित प्रश्न आप लोग को बताए। अब अंत में अब यहाँ पर एक कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उसको आप समझ लीजिए। परीक्षा आपकी है, हम लोग प्रयासरत हैं कि कहीं ना कहीं आप मेहनत करेंगे और जिसके द्वारा आपके जो परीक्षा में लाए गए अंक बढ़ें। तो करना ये है कि जो आपके प्रश्नों के जवाब जो आप आ रहे हैं उनको आप स्पष्ट लेखनी से लिखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको प्रश्नों के जवाब, प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं लेकिन आपकी लेखनी के कारण वो स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो अपनी लेखनी पर ध्यान दीजिए, स्पष्ट लिखिए और स्वच्छ लिखिए, है ना। और प्रश्न का जवाब अगर स्पष्ट लिखिएगा तो हम लोग जब आपकी कॉपियों को चेक करते हैं अगर वो आपके विचार हमारे प्रश्नों के उत्तर से मिल जाते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम अब अपने क्लास को समाप्त करेंगे। अब थोड़ा सा एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे बच्चों, समझिए इसको किस तरह से आप किस तरह से अपने अध्ययन को बढ़ाइएगा, करना क्या है थोड़ा समझिए। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको आप अक्षरशः पढ़िए, अक्षरशः पढ़ने के बाद आप उसको देखिए कि क्या क्या चीज़ें उसमें दी गई हैं। आप उसको विषयगत पढ़ाइए पढ़िए और साथ साथ उसको आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप जो है समझिएगा यहाँ पर, जो भी आप लिख रहे हैं वो अच्छे ढंग से लिख रहे हैं या नहीं। दूसरी बात, एक तरीका और हम आज बताना चाहेंगे कि प्रश्नों के जवाब कैसे लिखे जाएं। इसके लिए हम अभी बोर्ड की ओर आप लोगों को का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि प्रश्नों के जवाब कैसे होने चाहिए, कैसे लिखने चाहिए, है ना। इसके लिए आप इसको देख लीजिए। सर्वप्रथम मान लीजिए कि ये आपकी उत्तर पुस्तिका है। बच्चों ध्यान से समझिएगा, माना जाए कि ये आपकी उत्तर पुस्तिका है। उत्तर पुस्तिका के दोनों तरफ आपको मार्जिन देना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों, दोनों तरफ आप मार्जिन दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्नों के जवाब जब आप लिख रहे होते हैं और गलत ढंग से लिखते हैं तो उसके द्वारा भी आपके अंक
काटे जा सकते हैं, है ना। तो एग्जामिनर को आपको ऐसा मौका नहीं देना है कि वो आपके नंबर को काटे, है ना। तो इसलिए आप जो उत्तर लिख रहे हैं उसको सुव्यवस्थित ढंग से कैसे लिखेंगे वो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आपका उत्तर पुस्तिका है ना, वो तो उत्तर पुस्तिका के दोनों तरफ आपको मार्जिन खींचना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने प्रश्न संख्या 11 का जवाब दिया है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रश्न संख्या 11 का उत्तर। अब जब जैसे ही जवाब आप लिख लीजिए, मान लीजिए कि इस पंक्ति में आकर जवाब समाप्त हो गया, उसके बाद आप दो लाइन क्या कर दीजिए खींच दीजिए, उसके बाद प्रश्न संख्या 12 का उत्तर आप लिख दीजिए। आ रहा है समझ में, है ना। अब इससे क्या होगा कि 11 का उत्तर और 12 का उत्तर के बीच में हम लोगों को एक लाइन मिल जाएगी, इससे ये पता लग जाएगा कि हाँ बच्चे ने प्रश्न का जवाब 11 तक यहाँ दिया है, 12 प्रश्न का जवाब यहाँ तक। उसके बाद फिर आप क्या कर दीजिए कंप्लीशन लाइन खींच दीजिए, और जिस कारण से ये होगा एकदम क्लियर कट कंसेप्शन मिलेगा कि प्रश्न संख्या 11 का उत्तर ये है, 12 का उत्तर ये है, 13 का उत्तर ये है। और सुव्यवस्थित ढंग से अगर आप जवाब दीजिएगा तो हमें भी कॉपी चेक करने में आसानी होगी और साथ साथ आपके द्वारा दिए गए उत्तर को भी हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है। और ये सभी चीज़ें अब ध्यान दीजिएगा, ये सभी चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अब देखिए बच्चों, कुछ क्या आपको कोई प्रश्न पूछना है? अच्छा ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या मैं आपको 3 फिर से बता रहा हूँ, वर्ण विक्षेपण। मैं अभी स्क्रीन पर वर्ण विक्षेपण कांच के प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया को फिर से दिखा रहा हूँ, आप इसको समझिए, ठीक है। अब आइए बच्चों, सामने आपको दिख रहा है ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म क्या होता है ना, ग्लास प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है जो जिसका तीन सतह जो है वो आयताकार और दो सतह जो है वो त्रिभुजाकार सतहों से घिरा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना। इस तरह का डायग्राम आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है। अब आइए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देते हैं कि ग्लास प्रिज्म समझिए, ये ग्लास प्रिज्म है, सूर्य का श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म के एक सतह से पर पड़ा, इस किरण को क्या कहेंगे आपतित, क्या कहेंगे, जो किरण प्रकाश पुंज से आती है उस किरण को क्या कहते हैं आपतित किरण, है ना। और आपतित किरण जब प्रिज्म के एक सतह पर गिरती है तो वो उसके आधार से पैरलर हो जाती है अपवर्तन के द्वारा, अपवर्तन आप लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ा है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो डॉटेड लाइन खींच रहे हैं ये हो गया आपतित किरण का दिशा, है ना। उसके बाद ये सारी जो किरणें जो निकलेंगी वो सभी क्या हो गई, वर्ण विक्षेपित होकर निकल रही हैं। अगर इन सभी किरणों को हम आपतित किरण से मिला देंगे तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इसको हम लोग कहते हैं विचलन कोण, क्या कहते हैं विचलन कोण, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ना। अगर सबसे कम विचलन कोण किसका होगा, रेड का, क्यों होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होने के कारण उसका विचलन कम से कम होता है और इसलिए हमको वो स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर नज़र आता है ना। उसी तरह हम नीचे बढ़ते चले जाएंगे तो अंत में जब आते हैं वायलेट कलर पर तो उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होता है, विचलन क्या होगा सबसे ज़्यादा, और इसलिए हमको स्पेक्ट्रम में उस सबसे पंक्ति में सबसे नीचे चला मिलता है ना। और इस प्रक्रिया के द्वारा हमें एक सात रंग की पट्टी नज़र आती है, उस सात रंग की पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम, है ना। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग अब जो संज्ञा देते हैं वो क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका जवाब कॉपियों में सही ढंग से लिखेंगे बच्चों। इस तरह से हम यहाँ पर
अब समाप्त करते हैं और ठीक है, थैंक यू इस तरह से।